दोस्तों, यहाँ एक लड़का है जिसका नाम है तरुण। तरुण के मन में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि क्या पेड़ पौधे इतने ज़रूरी हैं कि लोग उनके लिए अपनी जान दें? क्या पेड़ पौधे इतने ज़रूरी हैं कि हम उनको संभाल कर रखें, हम और पेड़ पौधे उगाएं? तो चलिए हम भी उसकी मदद करते हैं जानने में कि पेड़ पौधे ज़रूरी हैं या नहीं। भला हम कैसे जानेंगे? ज़रा देखिए, यह पूरा कमरा जो है तरुण का, उसे ध्यान से देखिए। यहाँ अलग अलग सामान है। क्या आपके घर के कमरे में भी इस तरह से अलग अलग सामान है? अब हम इस सामान को एक एक करके देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उसमें पेड़ की मदद या किसी पौधे की मदद लगी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये कैलेंडर, यानी कि जो दीवार पर टंगा है ये कैलेंडर, उसे देखते हैं। और यह जो कैलेंडर है ये किस चीज़ से बना है? यह बना है पेपर यानी कागज़ से। और कागज़ हमें कहाँ से मिलता है? कागज़ बनता है पेड़ से। अब ज़रा देखिए यह कुर्सी, जो कि हम बोलते हैं जिसे चेयर, ये कुर्सी भला किससे बनी है? कुर्सी बनी है लकड़ी यानी वुड से। और लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? लकड़ी मिलती है पेड़ से। अब देखिए यह फल की टोकरी, फल की टोकरी में जो हैं वो हैं फल यानी फ्रूट्स। और फल हमें मिलते हैं पेड़ से, पौधों से। अब ज़रा यह देखिए, यह है हमारी कॉफ़ी जो हम पीते हैं, और यह भी हमें मिलती है पौधों से। अब ज़रा यह देखिए, यह क्या है? यह तो परफ्यूम यानी कि इत्र है, जो खुशबू वाला परफ्यूम होता है वो है ये। क्या आप जानते हैं जो इत्र होता है वो भी हमें, बहुत से इत्र ऐसे होते हैं जो हमें पेड़ पौधों की मदद से मिलते हैं। पौधों की खुशबू जो है वो उनमें डाली जाती है। जैसे कि जो गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं उनसे इत्र बनाया जाता है, चमेली से भी इत्र बनाया जाता है, और भी फूल हैं जिनकी मदद से इत्र बनाया जाता है, परफ्यूम बनाया जाता है। अब यह देखिए, शीशे पर ही, ड्रेसिंग टेबल पर ही रखा है यह एक, क्या है ये? यह है तेल, यानी तेल की बॉटल, ऑयल। अब यह तेल जो है, ध्यान से देखिए, ये तेल किस चीज़ का है? यह तो पैराशूट की बॉटल है, यानी कि नारियल का तेल। और नारियल हमें मिलते हैं पेड़ से। तो यह तेल भी हमें मिला है, ऑयल भी हमें मिला है पेड़ से। तो दोस्तों, हमने इतनी सारी चीज़ें तो देखी जो हमें पेड़ से, पौधों से मिलती हैं। ज़रा आप तरुण पे भी नज़र डालते हैं। इसके ये जूते जो हैं, शूज़ यानी कि, इसमें किसी एक चीज़ का इस्तेमाल हुआ है सोल में, और वो है रबड़। यानी कि जो सोल है वो बनी है रबड़ से। और रबड़ हमें कहाँ से मिलती है? रबड़ भी हमें मिलता है पेड़ से। तो हमने इतनी सारी चीज़ें देखी जो हमें पेड़ से मिलती है। ऑलमोस्ट पूरा कमरा ही हमें पेड़ पौधों से मिलता है। चेयर की लकड़ी जो है, और जितना भी फर्नीचर यहाँ हमें दिख रहा है, ड्रेसिंग टेबल, चेयर, टेबल, सब ही जो है वो बने हैं लकड़ी से, जो मिलती है हमें पेड़ से। साथ ही कागज़ जो है वो भी पेड़ से मिलता है, फल भी पेड़ पौधों से मिलते हैं, कॉफ़ी भी, इत्र भी, तेल भी, और रबड़ भी। अब ज़रा हम देखते हैं पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स? तो हमने देखा था सबसे पहले कि कागज़ यानी पेपर हमें पेड़ पौधों से मिलता है। उसके अलावा फल यानी फ्रूट्स भी हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। इत्र यानी परफ्यूम भी हमें मिलता है पेड़ पौधों से। तेल भी हमें मिलता है पेड़ पौधों से। लकड़ी जिससे बनता है ढेर सारा फर्नीचर, वो भी हमें कहाँ से मिलती है? लकड़ी यानी वुड हमें मिलती है पेड़ से, जो उसका तना होता है उससे। और यह देखिए, कॉफ़ी जो है वो भी हमें पेड़ पौधों से मिलती है, और साथ ही रबड़ भी। अब यह सारी चीज़ें तो हमने जानी जो हमें पेड़ पौधे से मिलती है। इसके अलावा लकड़ी जो है उसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता है, यानी कि उससे चूल्हा जलाया जाता है। तो खाना पकाने में भी पेड़ पौधे हमारी मदद करते हैं। साथ ही जो अलग अलग तरीके का खाना है, फल के अलावा यानी कि सब्जियाँ और हमारे मसाले, वो भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। साथ ही क्या एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है? ज़रा सोचिए, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या हम होंगे?
क्या हम सांस ले पाएंगे? तो साफ हवा भी हमें मिलती है पेड़ पौधों से। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें हमने जानी जो हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। तो क्या अब आप बता सकते हैं अपने आसपास और इस तस्वीर में देखकर कि पेड़ पौधे ज़रूरी हैं या नहीं? आर प्लांट्स इम्पॉर्टेंट और नॉट?